नमस्कार, मैं हूँ शरद व्यास। न्यूज ट्रैक के फटाफट बुलेटिन में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं अब तक की सभी बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की मेजबानी करेंगे। यहां दोनों नेता कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के साथ ही गंगा में नौका विहार भी करेंगे। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन रविवार रात 10:30 बजे इंदौर पहुंची। यहां से खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर भी पहुंच चुकी हैं। हिलेरी क्लिंटन 2 दिवसीय निजी यात्रा पर पहुंची हैं। सोमवार सुबह 9 बजे हिलेरी क्लिंटन का धार जिले के मांडव जाने का कार्यक्रम है। दोपहर में वो महेश्वर लौटकर मां देवी अहिल्याबाई की राजगद्दी का दर्शन भी करेंगी। पश्चिम बंगाल सीआईडी ने जलपागुड़ी बाल तस्करी मामले में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से 2 घंटे पूछताछ की। कोलकाता से आई 8 सदस्यीय टीम ने इंदौर आकर विजयवर्गीय से 50 से ज्यादा सवाल पूछे और उनसे बयान भी दर्ज किए। T20 ट्रायल सीरीज के चौथे मैच में सोमवार को भारत और श्रीलंका की टीमें आपस में भिड़ेगी। ये मैच दोनों ही टीम के लिए बेहद अहम है क्योंकि भारत और श्रीलंका ने अब तक सीरीज में 1-1 जीत हासिल की है, वहीं दोनों ही टीमों को 1-1 मैच में हार भी मिली है। अपनी आंखों के एक इशारे से पूरे देश को दीवाना बनाने वाली प्रिया प्रकाश जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली है। यह उनके लिए एक सपना पूरे होने जैसा है क्योंकि प्रिया का ये बॉलीवुड डेब्यू उन्हीं के फेवरेट स्टार रणवीर सिंह के साथ होने वाला है। खबर है कि प्रिया प्रकाश रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म सीबा में नजर आ सकती है। न्यूज ट्रैक के फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को देखने और जानने के लिए जुड़े रहिए newstracklive.com के साथ। नमस्कार।